अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फोटाइप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। HTML के इस क्लास में हम लोग टेबल को डिस्कस करेंगे। अगर हमने अपने वेब पेजेस के अंदर कोई स्ट्रक्चर डेटा शो करवाना हो या हम फोटोज़ के साथ कोई ग्रुप तैयार करवाना चाह रहे हैं तो हम टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल बेसिकली हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है। HTML के अंदर हम टेबल को यूज़ करने के लिए सिंपल टेबल का टैग यूज़ करते हैं, और टेबल का टैग यूज़ करने के लिए जस्ट हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर टेबल का कीवर्ड लिखेंगे। और याद रहे कि ये एक क्लोजिंग टैग है, इसको आपने क्लोज करना है। अब जितना भी डेटा इस टेबल के टैग के अंदर लिखेंगे हम, सो रोज़ के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है TR का टैग, इसको भी आपने क्लोज करना है। TR स्टैंड फॉर टेबल रो, तो ये हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी। तो फर्स्ट रो के अंदर डिसाइड होता है कि टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, तो वो TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। सो जितने भी कॉलम्स होंगे वो हमारी फर्स्ट रो के अंदर लिखे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर 4 कॉलम्स चाहिए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ 4 टाइम। एक और, हाँ जी। सो फर्स्ट जो मुझे चाहिए कॉलम, उसमें मैं कर लेती हूँ सीरियल नंबर, सिंपल नंबर। फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी। इसको सेव करके मैं अपने ब्राउजर को जाके रिफ्रेश करके देखती हूँ। ये शो तो हो गया, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ही कॉलम है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाके, हमारे टेबल का अपना एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, तो मैं इसको बॉर्डर कर दूंगी 1 pixel। टेबल के अंदर आएंगे, इसी टैग के अंदर बॉर्डर इक्वल टू 1 pixel, और इसको मैं सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखती हूँ। तो ये देखें, बॉर्डर शो हो गया, अब ये कॉलम्स में शो हो रहा है। ओके, ये हमारी फर्स्ट रो प्रिपेयर हो गई है। अब सेकंड रो के लिए अगेन मुझे TR का टैग लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर लेकिन उसके अंदर मुझे टेबल हेडिंग अब नहीं चाहिए होगी, टेबल डेटा चाहिए होगा जो मुझे इन कॉलम्स के अंदर फर्दर डेटा डालना है। तो TR, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी TD, टेबल डेफिनेशन। तो फर्स्ट जो मेरा कॉलम था वो नंबर का था, तो उसमें मैंने सिंपल सीरियल नंबर देना है, और इसके मुझे 4 कॉलम इसके भी चाहिए, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए। तो फर्स्ट मेरा कॉलम है नंबर का, तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 ऐड कर दिया। सेकंड फुल नेम, तो फुल नेम मैं यहाँ पे बिल गेट्स कर देती हूँ। देन उसकी पोजिशन, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सैलरी इसकी कर देते हैं $1,000। सो टेबल के अंदर डेटा हमारा रो वाइज ऐड हो रहा है। अब मुझे थर्ड रो में डेटा ऐड करना है, सिंपल इसी तरह से सेम प्रोसेस है। टेबल डेफिनेशन, ये भी मुझे 4 चाहिए। स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, कुछ भी डाटा एंटर कर लें आप। मेरे सामने भी एक ऐसा टेबल था, तो मैंने जस्ट वही डाटा इसमें एंटर कर दिया। देन थर्ड रो, टेबल डेफिनेशन TD, सॉरी ये तो बाय मिस्टेक हो गया।
फ्यूचर ऑफ गूगल एंड इसकी सैलरी। सेव कर लेते हैं, ब्राउजर में जाके देखते हैं। ये हमारा बहुत प्यारा सा टेबल बन के रेडी हो गया जस्ट विद इन 5 मिनट्स। तो HTML के अंदर हम सिंपल 5 मिनट के अंदर एक छोटा सा टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं और CSS को यूज़ करते हुए इसको मज़ीद अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।